हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पॉलिनेशन अथवा परागण के बारे में बताएंगे, तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको परागण क्या है अथवा पॉलिनेशन की परिभाषा या डेफिनेशन को बता देते हैं। तो किसी पुष्प के पराग कोशों से निकले हुए पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इस परिभाषा को और अच्छी तरह से आपको समझा देते हैं। जब कोई पुष्प होता है उसमें पराग कोश जो होते हैं, यानी जो पुंकेसर होता है, जो पुमंग होता है, जो नर जनन अंग होता है, उसमें पराग कोशों के अंदर पराग कण भरे रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। तो वो जो पराग कण होते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अथवा उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो इसी पहुंचने की क्रिया को ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। अथवा इसको ऐसे समझें कि जो पराग कण होते हैं, पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना अथवा उसी जात के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण या पॉलिनेशन कहलाता है। तो सीधी सी बात है कि जब वर्तिकाग्र पर पराग कण पहुंचते हैं तो उसी क्रिया को ही परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। आपको बता दें कि जैसे मनुष्य जनन या रिप्रोडक्शन द्वारा अपनी जैसी ही संतानें उत्पन्न करता है और जीवन चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, वैसे ही मानव प्रजाति की तरह ही पादप जगत में भी जीवन चक्र का संचालन एक जटिल प्रक्रिया होती है। पौधों में जीवन चक्र को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचता है, अर्थात मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंचता है तथा उसके साथ संयुग्मित हो जाता है या उसके साथ फ्यूज हो जाता है। यही क्रिया निषेचन अथवा फर्टिलाइजेशन कहलाती है। मतलब ये कि जब नर युग्मक या मेल गैमेट्स मादा युग्मक या फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच करके फ्यूजन होता है उसका, या फ्यूज होता है या मिलता है या संयुग्मित होता है, तो इसी क्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सामान्यतः इसी के फलस्वरूप बीज तथा फल का निर्माण होता है, अर्थात जब निषेचन हो जाता है उसके बाद बीज और फल का निर्माण होता है। तो इसमें जो नर युग्मक होता है उसे नर युग्मोद्भिद तथा मादा युग्मक को मादा युग्मोद्भिद कहा जाता है। अथवा इसको ऐसे कह लें कि नर युग्मक नर युग्मोद्भिद तथा मादा युग्मक मादा युग्मोद्भिद पर बनते हैं। आपको बता दें कि आवृत बीजी पौधों में पराग कण या पॉलन ग्रेन्स ही नर युग्मोद्भिद होते हैं। तो जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें जो नर युग्मोद्भिद होता है वो क्या होता है, या नर युग्मक क्या होता है, जो पराग कण होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो पराग कोशों के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें ही नर युग्मोद्भिद कहा जाता है। ये संपूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप में पराग कोश के स्फुटन के बाद किसी प्रकार उसी पुष्प अथवा उसी जात के अन्य पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मतलब ये कि पराग कोष के स्फुटन के बाद, अर्थात जब पराग कोष स्फुटित होते हैं या फटते हैं, तो किसी न किसी प्रकार से या कर्मक के द्वारा या माध्यम से उसी पुष्प अथवा उसी जात के किसी अन्य पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। चाहे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के जायांग पर पहुंचते हैं या जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसी क्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहा जाता है। आपको बता दें कि यह क्रिया आवश्यक क्रिया है। पराग कणों को अंकुरित होने के लिए अनेक सुविधाएं कहां पर मिलती हैं, वर्तिकाग्र पर मिलती हैं, अर्थात वर्तिकाग्र चिपचिपा सा होता है, लसलसा सा होता है, नमी सी वहां पर होती है, रोएं होते हैं, तो ये सारी अंकुरित होने के लिए आवश्यक सुविधाएं होती हैं। परागण अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रिया होती है क्योंकि बिना परागण के निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और बिना निषेचन के बीज व फल नहीं बनेंगे। अर्थात संसार में जितने ये फल और बीज का निर्माण होता है, जितने भी फल आप खाते हैं, इन सभी बीज और फलों का निर्माण निषेचन या फर्टिलाइजेशन से होता है। और ये होता कब है, पराग कण के द्वारा, अर्थात पराग कण की क्रिया में जब परागण होता है उसी परागण के द्वारा निषेचन और फल तथा बीज का निर्माण होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि संसार भर में जितने भी पुष्प होते हैं उनमें कैसे परागण होता है और परागण होने के बाद कैसे बीज और फल का निर्माण होता है।
तो चलिए अब आप लोगों को परागण के प्रकार अथवा टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बता देते हैं। परागण सामान्यतः दो प्रकार का होता है, अर्थात मुख्य रूप से परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन तथा परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। तो इन दोनों के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, बाकी डिटेल में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो पहला है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जायांग पर उपस्थित वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागण करते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ इसका कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। अतः यह क्रिया केवल उभयलिंगी या बाइसेक्चुअल पुष्पों में ही हो सकती है। जो स्वपरागण होता है ये केवल बाइसेक्चुअल फ्लावर्स में ही होता है या उभयलिंगी पुष्पों में ही होती है। तो स्वपरागण आप समझ गए, इस क्रिया में होता क्या है कि जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। अब आते हैं दूसरे पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन पर। तो कभी कभी एक पौधे पर स्थित पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। मतलब ये कि जब एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा आपको कि जब एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच करके अंकुरण की सुविधाएं प्राप्त करते हैं तो उसे ही पर परागण कहा जाता है। अर्थात जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण की क्रिया के लिए एक लिंगी या उभयलिंगी पुष्प हो सकते हैं, यानी इस क्रिया के लिए चाहे एक लिंगी पुष्प हो या उभयलिंगी, दोनों तरीके के पुष्प कोई भी हो सकते हैं, किंतु आवश्यक यह है कि वे अलग अलग पौधे पर लगे हों। यानी पर परागण में शर्त क्या है कि पुष्प अलग अलग पौधे पर होंगे तो उसे पर परागण कहेंगे, एक ही पर होंगे तो पर परागण नहीं कहेंगे। एक ही पौधे पर उपस्थित दो पुष्पों के बीच परागण जो हुआ था उसे स्वपरागण कहा गया था या गिटेनोगैमी, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। और पर परागण में क्या बताया है कि जब एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है। तो स्वपरागण और पर परागण के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाएंगे। तो आज के वीडियो में परागण का महत्व अथवा इम्पोर्टेंस ऑफ द पॉलिनेशन के बारे में बता देते हैं। तो पौधे अपने वंश की वृद्धि बीजों से करते हैं, अर्थात सीड से करते हैं। बीजों के निर्माण के लिए निषेचन अति आवश्यक क्रिया है, अर्थात पौधों की वंश की वृद्धि बीजों से होती है। और बीज फिर बनेंगे कहाँ अगर बीजों से होती है, तो बीजों के निर्माण के लिए निषेचन होगा या फर्टिलाइजेशन आवश्यक होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी बीज बनेंगे, क्योंकि जब तक दो अर्थात नर व मादा युग्मक आपस में मिलते नहीं हैं तब तक अगली पीढ़ी या जैविक ओज प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जब नर और मादा मिलेंगे तभी तो बीज का निर्माण होगा। परागण में या पॉलिनेशन में पराग कणों को अर्थात पोलन ग्रेन्स को किसी कर्मक या एजेंट के द्वारा वर्तिकाग्र तक लाया जाता है। ये कर्मक कौन कौन से हो सकते हैं? जल हो सकता है, वायु हो सकता है, पक्षी हो सकता है या कोई अन्य जंतु भी हो सकता है, वर्तिकाग्र तक लाता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो परागण का महत्व तो क्या है या इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन क्या है, तो इम्पोर्टेंस यही है कि इनसे बीज और फल का निर्माण होता है। अगर परागण नहीं होगा तो संसार में किसी भी फल या किसी भी बीज का निर्माण नहीं हो पाएगा। सबसे मेन इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन यही है। तो आज मैंने आप लोगों को परागण क्या होता है या पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में बताया, जिसके अंतर्गत परागण की परिभाषा या डिफिनेशन को मैंने समझाया कि परागण क्या है या पॉलिनेशन क्या है। इसके बाद मैंने आपको बताया परागण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का था, स्वपरागण और परपरागण, उनकी परिभाषा बताया। और इसके बाद परागण का महत्व या इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बताया। तो यदि आप सभी लोगों को स्वपरागण और परपरागण का डिटेल जानना है, अर्थात स्वपरागण कैसे होता है उसके सभी भागों के बारे में कैसे क्या है तथा परपरागण कैसे होता है उसके सभी भागों के बारे में कैसे होता है, पूरी जानकारी पूरा डिटेल अगले वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए,
ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।